मानव अधिकार संरक्षण परिषद के द्वारा पठारी और बड़ोह में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत ने सभी की शिकायत स्वयं के रजिस्टर में लिखकर शीघ्र निराकरण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई गरीब मजदूर किसान परेशान ना हो। उन्होंने कहा, चोर को चोर, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहूँ तो इसमें क्या गलत है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंशा अनुसार हर जन कल्याणकारी योजना का आम जन तक पहुँच सके, इसके प्रयास हम सभी को करना है। कार्यक्रम के बाद अस्थाई गौशाला पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं देखकर सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने गौ माता को कंबल उड़ाकर गौशाला के लिए हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सामाजिक संस्था है, इसकी ओर से हमने पंचायत भवन पठारी और बड़ोह में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया है। माननीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, ये माननीय कमलनाथ जी का निर्देश अधिकारियों को और हम जनप्रतिनिधियों को है। माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं कि जो वो योजना बैठ के बना रहे हैं, वो योजना आम आदमी तक पहुंच जाए, आम आदमी को उस योजना का लाभ मिले, गरीब को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, मजदूर और बहन और बेटियों माताओं को लाभ मिले। इस संदर्भ में योजनाओं की जानकारी लेने और जनता की दर्द को, पीड़ा को समझने के लिए हमने ये जन समस्या निवारण शिविर यहाँ आयोजित किया है। अभी हमारी बहुत सारे साथियों ने, माता बहनों ने, भाइयों ने समस्याएं हमें नोट कराई हैं। इस शिविर का मात्र पहला और आखिरी और सशक्त उद्देश्य यह है कि हम किसी से दरखास्त के भी पैसे नहीं ले रहे। 150 रुपये लगाकर कोई आए और दरखास्त लें, हम खुद उसकी दरखास्त लिखेंगे। केवल हम समस्याएं नोट कर रहे हैं, समस्याएं नोट करने के बाद उसके समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें। हम लोग डेमोस्ट्रेट हवाई मध्य प्रदेश शासन की ओर से विगत 2 वर्षों से अशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, जिसमें 45 दिवसीय कार्यक्रम होता है। हम लोगों की पेमेंट टाइम पर नहीं होती है। मुख्यमंत्री द्वारा पहले आश्वासन दिया गया था रेगुलर किया जाएगा, मानदेय परमानेंट होगा, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने भटकना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हम लोगों को नियमित कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।